सुपर, एक 48 60 कितना कर सकते हैं? 48 तरीके की एक कहानी है जो कि सिनेमा के उसको ये नहीं हो सकते कि उसके एक सिनेमा से इंप्रेस होते। तो इसमें हमारा लीड कैरेक्टर प्रिंसी काठीवाड़ा जो कि नेपाल से है, कहानी की डिमांड है कि वो हीरोइन नेपाल से ही रहती है, वो है। और इस फिल्म के जो गाने लिखे हैं हमारे समीर सर ने, कबीर सर ने तो एक प्रकार के हमें आशीर्वाद दिया है। जब उनको स्टोरी हमने सुनाया तो वो बोले, यार बहुत दिन के बाद मुझे कुछ लिखने का मतलब मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, मैं दिल से ये करूँगा। हालांकि जो क्या लेन देन होगा वो होता है ना, और बाद में बोले हम आशीर्वाद ही करके रखने वाले। तो समीर जी गाने लिख रहे हैं, इसमें मैना का कैरेक्टर हमारी निहारिका काफ़ी आपने सूर्यवंशम में देखा होगा, अभी आईजी काफ़ी फिल्मों कर चुके हैं, तो उन्होंने एक मेन रोल, मतलब समझ लेना कि इन फिल्म में सबसे ज़्यादा कृष्णा एंड नैना ही है। जैसे हर फिल्म में हीरो हीरोइन रहते हैं, लेकिन इस पिक्चर के मायने रखा जाए तो ये दोनों ज़्यादा ये करने वाली स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले। नैना और मेरे दोस्त जो कि मुझे सपोर्ट करने आए हैं, बोलिए कि इसका कहानी में एक ऐसा किरदार चाहिए था कि जैसे प्रेम कहानी, लेकिन ये थोड़ा कॉमिक वे में आगे चल जाती है। तो हमारे मराठी के सुपरस्टार जो काफ़ी सारे आप फिल्म में उनको देखते हो, फिल्म जो है प्रसाद खांडेकर सर हमें इसमें जो कृष्णा का रोल प्ले कर रहे हैं, इस कहानी का सूत्रधार बोल सकते हो, जैसे कि
तार्किक कह सकते हो, फिर थोड़ा उनको तड़का लगाने या थोड़ा मूवमेंट ऑडियंस को हिलाने के लिए हमारे सुभाष नक्का से सर जिन्होंने पूरा कोरियोग्राफी किया इस फिल्म की, और हमारे अमित यादव साहब यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, और इस पूरी फिल्म का जो म्यूजिक दिया है डी एच हरमनी साहब जो कि हमारे मित्र भी हैं, और डायरेक्टर हैं विशाल गायकवाड़ सर, जिन्होंने मतलब ये है कि जहाज बन गया था, कैप्टन भी बना था लेकिन कुछ हो गया तो चलती जहाज में कैप्टन ने क्रू भी मारी और अच्छा रोल निभा रहे डायरेक्टर वैसे कैप्टन ऑफ शिप को 100% नया पार लगाएंगे। कहानी की डिमांड से हमारे शशिकांत जी है जो कि हीरोइन यहाँ पर ये बॉलीवुड पार्क देखने आती है, तो बॉलीवुड पार्क में डेली कोई ना कोई मतलब ये कहानी में भी जो हीरो है उन्होंने उसी ने ये बॉलीवुड पार्क बनाया है, क्योंकि उसके पीछे की भी कहानी है कि एक कैरेक्टर है जो फिल्म तो पहले से फिल्म का दीवाना है, वो चाहता है कि मैं एक बॉलीवुड पार्क बनाऊँ। तो सर एज ए यहाँ विजिट देते रहते ताकि टूरिस्ट लोग उनसे फ़ोटो खींचे और उनका भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाए। फिर श्री का एक दोस्त का सपना जो कैरेक्टर श्री अभिला सर इस पिक्चर को बना रहे थे आशा मनोरंजन गंधर्व एंटरप्राइजेस का एक्शन, और इसमें जो मेन अरुण का किरदार है वो मैं संतोष मंजर इससे पहले देखिए क्या है कि मैं बोलता हूँ सपने पूरे करने के लिए पैसा नहीं लगता, मेहनत और जिद लगती है। मुझे भी इस बॉलीवुड पार्क में जब पहली बार आया 15-20 साल पहले मुझे अंदर नहीं आने दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूँगा किसी को मुसीबत ना हो जाने दी। एक्टर बनने का कोई सोचा नहीं था, लेकिन सोचा तो था लेकिन कौन लेगा यार मेरे को एक्टर, तो पहले सोचा नहीं पहले पैसे कमाऊंगा खुद ही पिक्चर बनाऊंगा, इतने पिक्चर बनाऊंगा कि लोग मान जाएंगे हाँ यार है कुछ है। तो इस तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट है, ये सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जीवन में अपने आप को खुश करने के लिए खुद से प्यार बोध करना चाहिए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें अपने आप बोलते ना कायनात की इस तरीके की कहानी भी है, जैसे कि हमें अ रन ऑफ लव बोल रहे जैसे सपना रन ऑफ लव, आप लोगों ने दिल वाले पिक्चर देखी है बताया उसमें एक हीरोइन का नाम है सपना का, बस समझना वो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर नहीं लेकिन उसके इर्द गिर्द मूवी है पूरा बताऊँ मैंने, लेकिन ये इंस्पायर हुई है दिल वाले से, जो हीरो है उसको नाम से क्या होता है आप उसके लिए कुछ नहीं रहा लेकिन कहानी में कई सब क्या पिक्चर देखिए कितने मोड़ आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से क्या बता रहा हूँ हंसना जो क्योंकि आप भी बहुत बोल रहे हो, तो हिमांशु जी हमारा पूरा हिमांशु जी और आपका हमारा पूरा स्कूल इस नाव को आगे लेके जाने में सहायता कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हर 15-20 दिन के बाद हम मिलने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये लाइव हो सोशल मीडिया के इंडी है। दिनों के बाद एक बड़ी अच्छी कहानी मिली मुझे, संतोष ने जब ये कहानी मुझे सुनाई तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, लगा कि अक्सर मेरे फैंस या जो मुझे चाहते हैं वो लोग बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वो 90s का दौर कब आएगा, वो गाने कब सुनेंगे, तो ये वो फिल्म है जहां मुझे पूरी तरह से मौका था कि मैं वो रंग इस फिल्म में लोगों तक ला सकूँ, और इसकी कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैंने सामने से इनसे कहा है कि ये मेरे ख्याल से इस बीच में जितनी फिल्में कर रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक होने वाला है, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर देवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और क्योंकि जब कहानी अच्छी होती है तो सारी चीज़ अपने आप अच्छी बन जाती है, और एक रोमांटिक कहानी हो और उसमें म्यूज़िक नहीं हो तो उसका आप समझ लो चलना मुश्किल है, और इस फिल्म का हीरो जो है म्यूज़िक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये म्यूजिक लोगों को जो मुझसे लोगों की चाहत है कि 90s को एक बार फिर सुने, और अगर ये म्यूजिक लोगों तक पहुंचा तो 100% लोग उसको पसंद करेंगे, और फिर से मेरी कोशिश है
कि मेरे फैन जो आज चाहते हैं जहाँ भी मिलते हैं यही कहते हैं, तो आप सब लोग दुआ करो। और प्रेस की मैं बहुत कदर करता हूँ, प्रेस वालों से मैं चाहता भी हूँ कि इसको आप जितनी दूर तक ले जाओ, क्योंकि ये तमाम नए लोग इसमें हैं। संतोष जी भी पहली बार हिंदी फिल्म कर रहे हैं मराठी में, तो ये बड़े दिग्गज एक्टरों में से गिने जाते हैं, और बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से ये फिल्म बना रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, नया पुराना कोई नहीं होता, एक आज जो नहीं है मेन, आज प्रोजेक्ट बन रहा है, फिल्म नहीं बन रही है, तो फिल्म ये असल में फिल्म बन रही है। इसमें जो भी आर्टिस्ट हैं सब पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, आप लोग दुआ करो। थैंक यू। अच्छा हो रहा है, शूट काफ़ी अच्छा जा रहा है, हम लोग मतलब मजे में हंसी मजाक में कर रहे हैं, बट विद डेडिकेशन एंड सीरियसनेस, तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। मुझे सभी एक्टर्स पसंद हैं, मैं काफ़ी मतलब बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज़ देखती थी, तो उसी हिसाब से मैंने हिंदी भी सीख ली, हिंदी सॉन्ग्स एंड मूवीज़ देख देख के। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे आपको सूट से पता चलेगा, मैं इस फिल्म में काफ़ी दबंग रोल करने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इन सब लोगों के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला है। संतोष जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, इन्होंने पूरी टीम साथ में जोड़ी है, तो थैंक यू सो मच। और समीर जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनके साथ गुफ्तगू की है और हमने दो तीन पुराने किस्से शेयर किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उनके फादर ने एक बहुत मशहूर गाना लिखा था ओपी नेहर के लिए, तो हमारी इतनी प्यारी सी एक फैमिली बन चुकी है और बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने इस फिल्म को इसलिए हाँ कहा है बिकॉज़ फैमिली एक बहुत ही प्यारी बनी है, तो उसका हिस्सा बनना तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही कमाल का शॉट आने वाला है मेरा, जिस शॉट के लिए मैं ये पिक्चर साइन की हूँ। थैंक यू सो मच। कृष्णा, आप बोले तो किशोर का भी करूँ उसमें कुछ। हिंदी की मेरी सेकंड फिल्म है, कृष्णा का कैरेक्टर निभा रहा हूँ इसमें, जो जैसे कि संतोष जी ने कहा कि सूत्रधार के तरीके में ये पूरा किरदार है जो कहानी आके लेके जा रहा है। कृष्णा ये जो फिल्म का हीरो है अरुण, उसका बचपन से ये दोस्त थे, तो अरुण की कहानी बचपन से लेके आज तक की पूरी कृष्णा को पता है। सो एक पूरे फिल्म में जो एक रिलैक्सेशन पॉइंट है ह्यूमर का, वो भी बहुत सारा कृष्णा के पास है, तो मज़ा आ रहा है करने के लिए। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, जैसे मैंने कहा कि रिलैक्सेशन पॉइंट्स कृष्णा के पास बहुत है ह्यूमर के लिए, लेकिन कहानी के साथ जाए तो वो उतना ही अपने दोस्त के लिए इमोशनल भी है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब आज तक बहुत, आप सभी ने मुझे बहुत सारे कॉमेडी कैरेक्टर में देखा है, लेकिन इसमें एक अलग नज़रिया भी होगा इस कैरेक्टर का। एंड वी आर एवरीवेयर टुगेदर, और बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में, वी आर इन्जॉइंग दिस होल शूट एंड विद दिस टीम, आई एम सो हैप्पी टू वर्क ओवर हियर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही म्यूजिकली है और बहुत चैलेंजिंग था ये, जैसे समीर सर बोले कि स्टोरी लाइन भी 90 के हैं और जो गाने भी थे तो 90 के मैजिक होना चाहिए, 90 की मेलोडी होनी चाहिए, तो हम लोग समीर जी को रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने लिरिक्स लिखे, देन हमने इस पर कंपोज किए, और बहुत हद तक हम लोग मेलोडी कोशिश किए हैं, अभी आप लोग सुन के बता सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे गाने हैं जी पहले भी आए जो यहाँ, ये बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें म्यूजिक ही म्यूजिक है, तो बहुत सारे कलर के हैं, सैड हैं, रोमांस हैं, पेपी नंबर हैं, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं एक नेपाल से भी हैं, तो एक शायद सेमी हिंदी नेपाली सॉन्ग भी है, एक पेपी नंबर भी है नैना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जो मेलोडी गाना हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे अभी आज शूट भी हो रहा है तो आप सुन रहे होंगे, तो जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 90 की जो मेलोडी है कुछ हद तक हम लोग जी वो ट्राई कर रहे हैं हम लोग आगे, तो आप लोगों का आशीर्वाद प्यार जी।
देखिए देवी और सज्जनों, एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो फिल्म है बहुत ही अद्भुत फिल्म है, और इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये एक ऐसी फिल्म है कि कई दिनों से इसका इंतज़ार था और ये फिल्म आ गई अभी। तो मेरे ख्याल से जब भी आपके द्वारा जिन जिन लोगों तक ये आवाज़ जाएगी, जिन जिन लोगों तक ये इंटरव्यू जाएगा, तो सब लोग देखने पाएंगे कि नहीं यार, हमें तो ये फिल्म देखना है। और फिल्म के बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, मेरा जो रोल है वो रोल इस तरह है कि ये पार्क में मैं आता हूँ, और पार्क में कई सारे लोग मेरे साथ, फिल्म की हीरोइन जो है वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाती है, कई सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, और एक ऐसी फिल्म है भाई साहब की क्या बताएं, जितनी भी बातें की जाए इस फिल्म के बारे में कम है। बाबूजी की एक कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पत बतलाते सब, अलग अलग पत बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ दूँ एक चला चल, राह पकड़ दूँ एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। इसी तरह जो है सपना जो है वो एक ऐसी फिल्म है कि हर एक का जो सपना होता है वो इस फिल्म देखने के बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा। अनेक अनेक धन्यवाद, थैंक यू।